नियमों को ताक पर रखकर अस्पताल एवं पैथोलॉजी लैब चलाने वाले चिकित्सकों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। बीते कुछ दिनों में ताजनगरी के कई अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए हैं तो कई पैथोलॉजी लैब को सील किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि नियमों को ताक पर रखने वाले एवं भ्रमित जांच रिपोर्ट देने वाले पैथोलॉजी लैब किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। ताजनगरी में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो मरीजों को बीमारी का डर दिखाकर मरीजों की गलत पैथोलॉजी जांच रिपोर्ट बनाकर मरीजों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। देखिए, मैं मूल से जाता हूँ, क्योंकि पहले ये सारे रजिस्ट्रेशन मैनुअल होते थे, 2019 के बाद ये ऑनलाइन शुरू हुए, लेकिन 2020-21 में कोविड आने की वजह से बहुत सारे लोग इसे ऑनलाइन नहीं ले पाए। 21-22 और 22-23 दो वर्ष में काफ़ी इम्प्रूव हुए और लगभग हम मानते हैं 100% लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से कराया। और इसको कराने के बाद बहुत सारा डेटा हम लोग के सामने आया। शिकायतें भी थी कि बहुत सारे चिकित्सक ऐसे हैं जो अपना समय नहीं देते हैं चिकित्सालयों में, उनके जगह पर बहुत सारे अपंजीकृत लोग उनकी स्थान पर चिकित्सा दे रहे हैं, और ये शिकायतें अक्सर हमारे पास आती भी रहती थी। तो इसको देखते हुए मैंने रिक्वेस्ट की थी लखनऊ से, डेटा को भी मैंने थोड़ा सा देखा, तो कुछ एक चिकित्सक ऐसे पाए जो इनको मल्टीपल हॉस्पिटल्स में जिन्होंने अपनी सेवाओं को देना दिखाया था। और इसमें एक मूल तीन तरह के डॉक्टर्स चिकित्सालयों में होते हैं, एक पर्सन इंचार्ज, एक फुल टाइम डॉक्टर्स और पार्ट टाइम डॉक्टर्स। तो पार्ट टाइम डॉक्टर्स ऑन कॉल होते हैं, वो लगभग किसी भी संख्या में चिकित्सालयों में जा सकते हैं, वो ऑन कॉल होते हैं। फुल टाइम डॉक्टर्स ही माना जाता है, अपना समय उनका उस चिकित्सालय में पूरी तरह से रहता है, लेकिन जो पर्सन इंचार्ज है वो पूरी तरह उसी के बेस पर हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं चिकित्सालयों का या पैथोलॉजी का, और ये पूरी तरह उस चिकित्सालय के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन चिकित्सीय कार्य के लिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पैथोलॉजी लैब पर चल रही लगातार छापेमार कार्रवाई में बड़ा खेल सामने आया है। सील हुई पैथोलॉजी में जांच कराई गई तो पता चला कि यहां जमकर फर्जीवाड़े का बड़ा खेल चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने पैथोलॉजी लैब से कई मरीजों की जांच रिपोर्ट जब्त की। प्रयास यही था कि हम लोग इनको देखें कि पर्सन इंचार्ज कितने चिकित्सालयों में एक साथ कार्य कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोग ने फिजिकली इनको वेरीफाई किया और ये पाया कि ये वहाँ पे नहीं उपस्थित होते हैं। इनसे पहले भी पूर्व में हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग CCTV या अन्य डॉक्यूमेंट के माध्यम से हमें ये बताएं कि ये वहाँ उपस्थित रहते हैं। ये जहाँ जहाँ इनकी उपस्थिति नहीं मिली निश्चित तौर पे कि वो वहाँ ये लोग नहीं आते हैं, इसलिए उन चिकित्सालयों को बंद किया गया है। अब उनका हम पंजीकरण निरस्त करने का कार्य कर रहे हैं और साथ में ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी चिकित्सीय प्रतिष्ठान ऐसा ना हो कि जो किसी भी डॉक्टर की सिर्फ डिग्री लगाए और वहाँ पे बिना डॉक्टर की उपस्थिति कोई चिकित्सीय कार्य करे, इसको भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, और जिससे कि जो भी रोगी हैं उनको हम गुणवत्ता पर चिकित्सा सेवा दे पाएँ। देखिए, अभी जो इतने भी थे उन्हीं चिकित्सा हम लोग लैब्स पे अभी हम लोग ने फिजिकल निरीक्षण किया था, क्योंकि ये बात सही है कि रिन्यूअल में निरीक्षण नहीं होता, निरीक्षण हमेशा नए चिकित्सालयों के लिए होता है, परंतु विशेष तौर से सिर्फ उन्हीं हम पैथोलॉजिस्ट का निरीक्षण कर रहे हैं जहां पर एक चिकित्सक द्वारा मल्टीपल लैब्स में या चिकित्सालयों में अपने नाम दिए गए हैं, और हम वहाँ सिर्फ उनका भौतिक उपस्थिति सत्यापित कर रहे हैं, और नहीं प्राप्त होने पर अगर वो ये नहीं साबित कर पाते कि चिकित्सकों द्वारा यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, हम उनकी विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं और उनकी चिकित्सा कार्य पे रोक लगाते हैं, उनका निरस्तीकरण का प्रोसेस। कौन कौन से पैथोलॉजी अभी सील की? नाम तो मैं एग्जैक्ट नहीं, करीब 10 पैथोलॉजी के हम लोग ने अभी कार्रवाई की है और बाकी भी हमारे पास जो नाम है उनका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि संचारी रोग के समय पर यह धंधा और फलने फूलने लगता है, जिसमें झोला छाप डॉक्टर के साथ साथ ऐसे हॉस्पिटल भी मोटी कमाई करते हैं जो नियमों को ताक पर रखकर अस्पताल चला रहे हैं। ऐसे संदिग्ध अस्पताल एवं पैथोलॉजी सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अब तक जहां कई निजी चिकित्सालय को नोटिस जारी किए गए हैं तो वहीं गलत तरीके से चलाई जा रही पैथोलॉजी लैब को सील किया जा रहा है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार अब तक शहर में 10 से अधिक पैथोलॉजी लैब को सील किया गया है, तो कई को मानक पूरे न होने पर नोटिस जारी किए गए हैं। सी न्यूज़ के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।